हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का एक अच्छा क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ग्राफ इज शोन इन द फिगर। ये फिगर गिवन है। द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द पार्टिकल, इसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है, ये पता करना कि स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगी। तो देखो यहाँ पे टाइम 0 है, 0 to 11 सेकेंड देखें तो जो एसेलरेशन है 0 पर मैक्सिमम है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, पर वो एसेलरेशन घटता जा रहा है, लेकिन है एसेलरेशन पॉजिटिव 11 सेकेंड तक, नेगेटिव में नहीं गया एसेलरेशन। तो इसमें इस ग्राफ में 0 to 11 सेकेंड तक एसेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन है पॉजिटिव, दैट मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन घट जरूर रहा है, बट स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, बट उसके रेट जो इंक्रीज होने की है वो धीरे धीरे घट रही है। स्पीड पहले ज्यादा स्पीड इंक्रीज हो रही थी, उसकी स्पीड बढ़ने की जो रेट है, बढ़ने की रेट का मतलब जैसे 1 सेकंड में वो पहले 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही थी, तो अगले 1 सेकंड में उसकी जो रेट है बढ़ने की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन बढ़ेगी, है ना, क्योंकि तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, रिटार्ड नहीं हो रहा है बेटा। तो एक्सेलरेशन घटने का मतलब ये नहीं है कि स्पीड घट रही है, स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन स्पीड बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम होती जा रही है। स्पीड बढ़ रही है, बट स्पीड बढ़ रही है तो इसीलिए 11 सेकंड पे जाके देन दैट इज एट 11 सेकंड पर उसकी स्पीड कैसी होगी मैक्सिमम। तो हमने ये पता लगा लिया कि स्पीड 11 सेकंड पर मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं हुआ, नेगेटिव हो जाता तो स्पीड घटती, स्पीड तो कंटिन्यूअसली 11 सेकंड तक बढ़ रही है क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब क्या करें, स्पीड मैक्सिमम पता कर ली 11 सेकंड पर, अब स्पीड मैक्सिमम स्पीड तो निकालनी है, हमें ये ही फाइंड आउट करना है। तो 11 सेकंड पर आपकी स्पीड मैक्सिमम है, ये पता लगा लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो इसे इम्प्रूव कर सकते हैं पहले कि ये बराबर होगा, तो मैं पहले इसको कर देता हूँ, फिर मैं प्रूव करके बताता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका जो पूरा ये एरिया है ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। आपको नहीं आता है तो मैं इसे प्रूव करके दिखा दूंगा अभी, पर ये याद होना चाहिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और एरिया निकालें तो चेंज इन वेलोसिटी लिखें तो फाइनल माइनस इनिशियल, एरिया निकालें तो हाफ परपेंडिकुलर हो गया 10 और बेस हो गया 11, और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ये मैक्सिमम स्पीड है, इनिशियल 0 है क्योंकि स्टार्टिंग रेस्ट से हो रही है, बराबर 2 से कितनी कट गया 5 बार, 55 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, इसीलिए इसका जो आंसर हो गया वो 55 h इज करेक्ट चॉइस। अब बात आती है कि ये एरिया कैसे रिप्रेजेंट करेगा सर चेंज इन वेलोसिटी को, जरा समझें। अगर मैं ये ग्राफ बना लूँ ऐसे, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, अगर मैं छोटी सी स्ट्रिप लूँ, बहुत छोटी सी ऐसे, इस छोटी सी स्ट्रिप में इसको तो मैं डी टी मान लूँ, क्या इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान सकते हैं, मान लो वो ए है, और इस स्ट्रिप का एरिया निकालूँ स्मॉल एरिया ये डी ए, तो ये स्मॉल एरिया है आपका, इसको फाइंड आउट करूँ इस स्ट्रिप का स्मॉल एरिया, तो एक रेक्टेंगल सा बन गया, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ हो गई आपकी ए,
और ब्रेथ हो गई डी, तो ए डी टी। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं बोथ साइड तो टोटल एरिया निकल आएगा पूरी ग्राफ का, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। क्योंकि जब भी हमें छोटी छोटी चीज़ों, किसी बड़ी चीज़ को छोटे पार्ट में तोड़कर जोड़ने की बात आए तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन करें डी ए, इंटीग्रेशन ए डी टी। ये तो टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया ऑफ एसलरेशन टाइम ग्राफ इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं? तो एक बात जानते होंगे आप, एसलरेशन इज इक्वल टू डीवी ओवर डी टी। तो यहां से डीवी निकाले हैं तो ए डी टी, तो इस इंटीग्रेशन ए डीवी टी की जब लिख सकते हैं हम डीवी, और डीवी को इंटीग्रेट करें तो ये इनिशियल और ये फाइनल। तो इसे सॉल्व करें तो ये वी माइनस यू, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस तरह से टोटल एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। इसीलिए हम ये डायरेक्टली लगा सकते हैं, इसीलिए इसकी चॉइस 55 मीटर पर सेकेंड होगी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।